दर्शकों नमस्कार, मैं वैद्यराम सागर चौहान। आज आपको हम इस पेड़ के बारे में आज आपको बताने जा रहे हैं। इसको लोग कहते हैं सदाबहार। आज हम शुगर के बारे में बताना चाहते हैं कि शुगर में कितनी लाभकारी है। इसकी चार पांच पत्तियां तोड़ लीजिए, आप चार पांच पत्तियों को तोड़ करके आप पीस लीजिए और पीस करके उसके अर्क को पीजिए, सुबह शाम पीजिए। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि शुगर बिल्कुल फिट हो जाएगी, बहुत सही हो जाएंगे आप। लेकिन ध्यान रखिए, मैं यही चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप पाँच छः पत्तियों से ज़्यादा प्रयोग ना करें। अगर ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो ये आपको शुगर बिल्कुल डाउन कर देगी और नुकसान करेगी। इसलिए मैं बताना चाहा कि खाते भी बता दूँ कि ये लाभकारी तो है, लेकिन कहीं नुकसान भी इससे हो सकता है। इसलिए पाँच छः पत्तियों से ज़्यादा आप कतई प्रयोग ना करें। और मेरा कहना है कि आप हफ्ते खाण प्रयोग कर लें, फिर इसके बाद दो तीन दिन के लिए बंद कर दें या पत्तियों की मात्रा घटा दें, फिर इसके बाद आप शुरू करें। और दूसरी बात यह है, इनके फूलों को भी आप प्रयोग कर सकते हैं, ये फूलों किसे भी लाभ हो सकता है। और मैं आपको बता दूं, सफ़ेद फूल के बारे में हमें जानकारी मिली है कि अगर सफ़ेद फूलों को भी अगर हम खाते हैं तो जो लोग मोटापे से ग्रसित हो जाते हैं और जो उनका वज़न बढ़ जाता है, तो वज़न को घटाने के लिए अगर पाँच छः फूल नोट कर रखिए कि तीन से चार फूल से ज़्यादा ना खाएँ, एक हफ्ते तक खाएँ सिर्फ, और खा करके फिर बंद कर दें, फिर इसके बाद अगले हफ्ते करें। तो ये मेरा कहना है कि शुगर के लिए नंबर एक है, और अगर मोटापा और वज़न बढ़ रहा उसके लिए भी इसके फूलों का प्रयोग करें। मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त कर देता हूँ। आगे जाने के लिए फिर हम आपको वीडियो दिखाएंगे और आपको आगे जानकारी देंगे। लेकिन इसकी फिर मैं बता दूं कि पाँच छः पत्तियों से ज़्यादा कतई आप प्रयोग नहीं करें, नहीं इसका नुकसान हो सकता है। और उसे खाने के बाद आप शुगर की जांच कराते रहें, क्या ऐसा ना हो कि बहुत डाउन हो जाए। ये बहुत ही लाभकारी जड़ी बूटी है, इसको सदाबहार कहते हैं। तो हम अपनी बात यहीं पर विराम देते हैं, और तब तक के लिए आपको कोई विशेष जानकारी लेना है तो मेरे नीचे लिखे मोबाइल नंबर पर आप जानकारी ले सकते हैं। किसी बीमारियों के बारे में, किसी जड़ी बूटियों के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, आप जानकारी ले लें। लेकिन मैं अपनी बात यहीं पर विराम करके तब तक के लिए आप लोगों से नमस्कार करता हूँ।